कोरोना वायरस महामारी को मात देने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। हालांकि बालाघाट में अभी तक कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया। ग्रीन जोन में होने के बावजूद भी यहां पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा सख्ती जारी है। इस दौरान हर किसी को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। कृषि और मनरेगा के कार्यों के लिए प्रशासन के द्वारा कुछ छूट दी गई है, लेकिन ऐसे में लॉकडाउन तोड़ने और अनावश्यक सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और ऐसे लोगों के वाहनों को जब्त किया गया। लगातार जैसे कि अभी 20 तारीख के बाद से कई जैसे कृषि विभाग हो गया और निर्माण कार्यों को ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए छूट दी गई है, जिस कारण से लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। मुख्य उद्देश्य चेकिंग पॉइंट लगाने का यही है कि जो गाड़ियां हैं जो उन पर लगातार नज़र रखी जा सके, ताकि जो अनावश्यक कोई व्यक्ति अगर घूम रहा है उस पर नियंत्रण किया जा सके, ताकि कम से कम संक्रमण हो या अगर कोई संक्रमित व्यक्ति घूम रहा है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। बालाघाट से EMS TV के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट।